हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और आज है जनवरी 1, 2021। और आज हम लोग जा रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। और देखते रहिए काजीरंगा नेशनल पार्क में कैसे जाया जाता है और वहाँ पे जाके क्या क्या कर सकते हैं, वो सब मैं आज ब्लॉग में बताने वाली हूँ। गुवाहाटी से काजीरंगा का बाय रोड डिस्टेंस है 193 किलोमीटर और ट्रेवल टाइम है 3.5 आवर से 4 आवर। हम लोग अभी एक ढाबे पे रुके हैं चाय पीने के लिए, चाय नाश्ता। और अलीना चौके उठी है 2 घंटा और हम लोगों को 2 आवर्स ट्रैवल करना है। बहुत सुनसान एरिया है, सिर्फ हाईवे है और कुछ नहीं है, एक भी लोग नहीं है, सिर्फ हम लोग ही है। ऐसा लग रहा है हमारा खुद का ढाबा है। शु 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 आसन नहीं खुला खुला से ये रोटी सब्जी आलू मटर की है जो आलू मटर की सब्जी, आलू फ्राई और कुछ चटनी है और कुछ ये कुछ है ग्रीन वेजिटेबल्स और 3 चपाती। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग ने फिर से ट्रैवल स्टार्ट कर दिया है। और रोड साइड व्यू बहुत सुंदर है यहाँ का, चारों तरफ ग्रीनरी है और साइड में टी गार्डन्स देखने को मिल रहा है हम लोगों को। हम लोग ने काजीरंगा नेशनल पार्क का गेट क्रॉस किया है। बहुत जगह पर एनिमल कॉरिडोर ड्राइव स्लो का बोर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब है रोड साइड से एनिमल भी क्रॉस करते हैं दूसरे साइड तक, तो यहाँ पर बहुत सावधानी से ड्राइव करना रहता है। अभी हम लोग रिजॉर्ट पहुँच गए हैं, रिजॉर्ट का व्यू मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। और अभी हम लोग जीप सफारी करने जा रहे हैं, तो चलिए मेरे साथ आपको भी दिखाती हूँ जीप सफारी कैसा होता है। काजीरंगा का कोहरा रेंज है जहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, और बहुत सारा एनिमल देखने को मिलेगा। अभी एंटर करते ही हम लोगों को डियर का ग्रुप दिखा और एक राइनो भी दिखा, तो आगे जाके और देखते हैं क्या क्या है। काजीरंगा नेशनल पार्क को 4 रेंजेस में डिवाइड किया हुआ है, सेंट्रल कोहरा रेंज, वेस्टर्न बागोरी रेंज, ईस्टर्न अगोरातोली रेंज और बूढ़ा पहाड़ रेंज। और इनमें से सबसे फेमस है कोहरा या सेंट्रल रेंज। हम लोग ने भी कोहरा रेंज से विजिट किया था। कोहरा रेंज में राइनो, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोज और स्वाम डियर दिखाई देता है, तो आगे जाके देखते हैं क्या क्या एनिमल्स हम लोगों को देखने को मिलेगा। काजीरंगा नेशनल पार्क में एंटर करते ही हम लोगों को दिखाई दिया स्वाम डियर के एक बहुत बड़ा ग्रुप, और ये सिर्फ इंडिया में 2 ही नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, एक है काजीरंगा नेशनल पार्क और एक है कानाहार नेशनल पार्क। स्वाम डियर के ग्रुप हम लोगों को लेफ्ट साइड में दिखाई दिया है, ये थोड़ा धुंधला जैसा दिखाई दे रहा है क्योंकि बहुत धूप आ रहा है यहाँ से। और राइट साइड में एक वन हॉर्न राइनो है और ये बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है हमको।
ठंडी हवा है यहाँ पर। और ये जीप सफरी का टाइमिंग 1 to 3 PM तक है यहाँ पर, और 2 hours का राइड है अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर। और अभी हम लोग फॉरेस्ट के अंदर ही है, 51 किलोमीटर है जीप सफरी राइड। घना जंगल है और बीच में से ये कच्चा रोड है और चारों तरफ एनिमल देखने को मिलता है। और यही है जीप सफरी काजीरंगा नेशनल पार्क में। यहाँ पर फिर से हम लोगों को बहुत सारा डियर दिखाई दे रहा है। ये देखिए डियर का ग्रुप बहुत सारा है, थोड़ा दूर है, मैंने जूम किया है। जहाँ पर भी एनिमल दिखाई देता है वहाँ पर जीप रुकाया जाता है और हम लोग जीप से ही फोटोज और वीडियो लेते हैं। यहाँ पर जीप से उतरना मना है क्योंकि जंगली जानवर कभी भी आ सकते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर ही बहुत सारे ऐसे लेक्स हैं जहाँ पर एनिमल्स नहाते हैं, पानी पीते हैं। तो ऐसे ही और एक नज़ारा हम लोगों को दिखाई दिया अभी, एक एलिफेंट नहा रहा था और उठ के वो जा रहा है जंगल के अंदर। फिर से और एक लेक दिखाई दिया है और यहाँ पर बहुत सारे साइबेरियन बर्ड्स हैं। और ये सब माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो विंटर सीजन में असम में आते हैं और ये काजीरंगा नेशनल पार्क में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर ऐसे बहुत सारे ग्रासलैंड है और ये बहुत टॉल है और इसको एलिफेंट ग्रास भी बोला जाता है। के अंदर बहुत सारे एनिमल रहते भी हैं, राइनोज रहते हैं, एलिफेंट्स रहते हैं, डियर भी रहते हैं, कई कई पर टाइगर भी दिखाई देता है यहाँ पर, लेकिन बहुत रेयरली टाइगर दिखाई देता है टूरिस्ट को। ये है राइनो का पोती और हमारे टूरिस्ट गाइड ने बताया है कि राइनो एक ही जगह पर पोती करता है 1 महीने तक और यहाँ पर एक माउंटेन जैसा बन गया है और उसके बाद वो दूसरे जगह सिलेक्ट करता है और वहाँ पर पोती करता है। और बाद में मैं दिखाऊंगी बहुत सारे वाइल्ड फ्लावर्स भी रहते हैं और राइनो के पोती में बहुत सारे वाइल्ड फ्लावर्स भी खिलते हैं और ये मुझे टूरिस्ट गाइड ने बताया। और आगे जाके मुझे देखने को मिलेगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर फिर से हम लोगों को राइनो दिखाई दिया है। यहाँ पर एक बेबी राइनो भी है, घास खा रहे हैं। बिल, ये एक बिल है, इसका नाम है लेक। ये एक बहुत बड़ा लेक है काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर और इसका नाम है मिही लेक। और यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और यहाँ पर भी बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, मॉर्निंग में ज्यादातर दिखाई देता है। बहुत सारे टूरिस्ट भी है यहाँ पर, कोट वहाँ पर दूर में एलिफेंट्स का ग्रुप्स है। ये एक लेक है और यहाँ पर बहुत सारे टॉर्टोइस भी है बहुत, और हम लोगों को दिखाई दिया है कुछ टॉर्टोइस धूप सेक रहे हैं ट्री के ऊपर बैठ के। अभी हम लोग एक व्यू पॉइंट में आए हैं और यहाँ पर बहुत टूरिस्ट है, पीछे एक लेक है और यहाँ पर हमारा जीप रुकाया है गाइड ने, ड्राइवर ने, और अभी यहाँ पर सब लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। मैं भी दिखाती हूँ आपको।
आज हम लोग ने जीप सफ़री किया है और कल अर्ली मॉर्निंग ही हम लोगों को एलिफेंट सफ़री के लिए फिर से आना है यहाँ पर, तभी हम लोगों को बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स नज़दीक से देखने को मिलेगा। व्यू पॉइंट में जो लेक है उसके ऑपोजिट साइड से ये एलिफेंट जा रहे थे और ये बहुत अच्छा नज़ारा हम लोगों को ये व्यू पॉइंट में भी दिखाई दिया। एक बेबी एलिफेंट अपने पेरेंट्स के साथ है। रिटर्न होने के टाइम में भी हम लोगों को बहुत सारे वाइल्ड एलिफेंट्स और राइनोसेरस दिखाई दिया और यहाँ पर सनसेट होने वाला है अभी और यहाँ पर दो एलिफेंट्स नहा रहे हैं। हम लोग रिजॉर्ट आने के बाद यहाँ पर बॉनफायर का मज़ा ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंडी है अभी। ये है आज का डिनर हमारा और यहाँ पर है एसएमएस थाली, ये वेज थाली है, ये चिकन, ये फिश है बोराली फिश ग्रेवी और ये लोकल चिकन ग्रेवी। वेज थाली में है आलू गोभी फ्राई, आलू पिटिका, बेम्बो सूट असार, चटनी, खारोली, चना का चटनी, सलाद और कुछ वेजिटेबल्स और पापड़। और यहाँ पर दाल तीन तरह की है, प्लेन दाल, ओटेंगा का दाल, काला दाल। फिश में है बोराली फिश और एक चिकन का ग्रेवी है। आज का वीडियो मैं यहाँ पर ही खत्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो काजीरंगा पार्ट टू जरूर देखिए और क्या क्या देखने लायक है काजीरंगा में और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में वो सब आपको जानने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।